हैं दुनिया की सबसे कम लागत में सबसे ज्यादा रुपए देने वाली फसल। जितने ये खट्टे हैं ना उतने ही मीठे बाजार भाव मिल रहे हैं। और लगातार अगर हमारे एक एकड़ दीपावली तक चल गया ना तो 5 लाख रुपए निश्चित तौर पर बनने वाले हैं। किसान भाइयों, क्या एक एकड़ जमीन से पर डे 5 से 10 हजार रुपए कमाए जा सकते हैं? तो इसका जवाब है बड़ी आसानी से। मेरी एक एकड़ जमीन की आप देख सकते हो एक दिन में कितनी कमाई हुई है। ये जो प्लॉट आप देख रहे हो ना, इसके अंदर मैं बारी बारी आपको दिखाऊंगा और वो भी बिल के साथ आपको प्रूफ दिखाऊंगा आज का कि मैंने आज अपने इस एक एकड़ खेत से कितने रुपए की अर्निंग की है। पिछले 15 दिनों से कंटिन्यू हमारे इस खेत के अंदर हार्वेस्टिंग जारी है और ये जो हार्वेस्टिंग है ना हमारी, वो दीपावली आने तक कंटिन्यू चलती रहेगी। जैसे जैसे इस खेत के अंदर हमारी फसलें खत्म होती जाएंगी, हम नई फसलें लगाते चले जाएंगे। हमारा जो ये खेती का मॉडल है ना, वो बिल्कुल हटके है, बिल्कुल यूनिक है। इसके अंदर नुकसान हो ही नहीं सकता। पर डे 5-10 हजार रुपए की बात क्या करें, अगर रेट बढ़िया लग गए ना तो 15-20 हजार रुपए भी कमा सकते हैं। किसान भाइयों, मेरी एक एकड़ जमीन की आप देख सकते हो एक दिन में कितनी कमाई हुई है। 16 तारीख आज है, आज आप देख सकते हो उस पर्चे के अंदर एक दिन में मैंने 8,050 रुपए की कमाई की है, वो भी सिर्फ एक एकड़ जमीन के अंदर। और ये मेरी जो इनकम है पिछले लगभग 17 से 18 दिनों से कंटिन्यू जा रही है। जब हमने इस खेत के अंदर लगभग 6 प्रकार की सब्जियों की बुआई की थी, उस टाइम पर आप लोगों से मैंने वीडियो शेयर किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि अपन एक एकड़ का इस तरह से मॉडल अगर बनाए तो निश्चित तौर पर 5 से 10 हजार रुपए पर डे का कमा सकते हैं। और वही मैं आप लोगों के लिए आज एकदम प्रूफ के साथ लेकर आया। मेरा जो ये बिल दिखाने का मकसद है ना, वो ये नहीं कि मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा भैया मैं इतने रुपए पर डे के हिसाब से कमाता हूँ, मैं लाखों रुपए अपने खेतों से कमाता हूँ, मैं बहुत लखपति आदमी हूँ या करोड़पति आदमी हूँ। मेरा जो मकसद है ना वो ये है कि किसानों को जो हीन भावना से देखा जाता है या फिर जो किसान खेती के अंदर कुछ नया करना चाहते हैं लेकिन उनको एक डर सताता है कि यार कहीं हम फेल हो गए ना खेती में तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी है ना वो तालियां बजाएंगे, वो हंसेंगे, वो बोलेंगे कि यार मैं तेरे को बोल नहीं रहा था कि यार तू जा अपना वो काम कर ले, तेरे बस के खेती नहीं है और खेती के अंदर कुछ नहीं है सिवाय बर्बादी के। तो आज का वीडियो है ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है भैया। वीडियो अगर आपको पसंद आए ना तो आखिरी में जाके इसको लाइक कीजिए, उससे पहले लाइक मत कीजिए, मैं आपको बिल्कुल प्रेशराइज नहीं करूंगा। साथ ही अगर इस तरह की वीडियो आप लोग देखकर आपका उत्साह बढ़ता है या फिर आप खेती के अंदर कुछ नया करना चाहते हो, खेती से एक बढ़िया अर्निंग करना चाहते हो तो इसी टाइम इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। किसान भाइयों, आज के जो गोभी के रेट है ना हमारे यहाँ पर 40 रुपए किलो मिले। जब ये गोभी स्टार्ट हुई थी उस टाइम पर 70 रुपए किलो के बाजार थे, उस टाइम पर क्वांटिटी कम थी। अभी जो क्वांटिटी हमारी लगातार बढ़ती जा रही है, अब इससे आगे मतलब दीपावली तक ये हमारी फसल चलेगी। अगर हमें 30 रुपए किलो या फिर 25 रुपए किलो तक भी अगर रेट मिल जाते हैं तो भी एक एकड़ ज़मीन से ना लाखों रुपये निश्चित तौर पर हमारे पास आने वाले। इसी तरह हमारे पास 5 तरह की इस एक एकड़ ज़मीन के अंदर और भी सब्जी वर्ग की फसल है, उनके जो रेट है ना बहुत शानदार मिल रहे हैं। और लगातार अगर हमारा ये एक एकड़ दीपावली तक चल गया ना तो 5 लाख रुपए निश्चित तौर पर बनने वाले हैं। मिर्ची की, तो मिर्ची की जो हमने ये वैरायटी लगा रखी है एक नंबर की बेहतरीन वैरायटी, आप लोग देख पा रहे होंगे एक पौधे के अंदर कितनी जबरदस्त तरीके से इसने फ्रूटिंग दे रखी है। साथ ही जितनी ये तीखी है ना उतने इसके तीखे रेट में मिल रहे हैं, साइज इसका बहुत लंबा है। जब इसको अपन बाजार में लेके जाते हैं ना तो दूसरी मिर्चियों को छोड़ के खरीदार इस पर टूट पड़ते हैं। रेट इनको आज 50 से 55 रुपए किलो के मिल रहे हैं। साथ ही दूसरी इसकी खासियत, इसके अंदर एक भी पौधे के अंदर लीफ कर्ल वायरस जो मिर्ची के अंदर सबसे ज़्यादा आता है वो हमने दिखाई नहीं दिया। रही बात इसकी और खूबियों की, ये 5वें दिन हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। जैसे आज हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे तो आने वाला जो 5वां दिन है उस टाइम पर आपको इसी साइज़ के अंदर मिर्च तैयार मिलेगी। साथ ही दोस्तों ये जो वैरायटी है ना इतनी ज़बरदस्त है कि बस पूछिए मत, मैंने सोचा नहीं था कि मिर्ची के अंदर इतने जबरदस्त फल आएगा और इतने बढ़िया इसको रेट मिलेंगे। इसकी अगर आपको वैरायटी जाननी है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को इसकी वैरायटी बताऊंगा। दोस्तों एक नंबर की वैरायटी है ये। बाप रे बाप, जितने ये छोटू दिख रहे हैं ना उतने ये बड़े दामों पर बिक रहे हैं। और भैया एक बार इसको ना हार्वेस्टिंग करके मंडी में रख दो,
रखने की देरी है, बिकने की देरी नहीं है। 70 रुपए किलो के इनको रेट मिल रहे हैं। मैं जब इस खेत के अंदर बुआई की थी उस टाइम पर मैंने करेले की अपने खेत की एक मेड़ के ऊपर ये बुआई की थी। मैंने नहीं सोचा था कि एक मेड़ से मैं पर डे लगभग 20 से 25 किलो करेले बाजार में ले जाऊंगा। अभी बहुत मन खुश है इस करेले को देख के। एक तो वैरायटी बहुत शानदार है, साथ ही रेट बहुत शानदार मिल रहे हैं। ओहो भाई साहब, जब हमने ये बोए थे ना तो हमारे पड़ोसी बोल रहे थे कि टमाटर है ना वो तो 2 रुपए किलो में यूं ही सड़कों पे पड़े मिल जाएंगे। लेकिन अब आप मंडियों में जाके देखिए, जितने ये खट्टे हैं ना उतने ही मीठे बाजार भाव मिल रहे हैं। लगभग 1 कैरेट है ना वो 800 से 1000 रुपए की बिक्री भैया। और जो हमारी ये वैरायटी मैंने आप लोगों से उस टाइम पर बताए थे जब इस खेत के अंदर हमने बुआई की थी, सेमिनिस कंपनी की अभिलाष, आप समझ सकते हो एक पौधे से कितना प्रोडक्शन होता है। मूली है, आप देख पा रहे हो जो ये खेत जुता हुआ है ना, यहाँ पे हमने जिसकी जुताई कर रखी, यहाँ पर मूली की फसल थी। मूली का गेम ओवर हो चुका है, कंप्लीट हार्वेस्टिंग हो चुकी है। मूली को जो बाजार रेट मिले, हमारी शुरुआत हुई थी लगभग 35 रुपए से और नीचे हमारा आई थी 22-23। तो मूली की हार्वेस्टिंग करने के बाद जो हमने ये छोटी जगह जुताई की है ना, इसके अंदर भी हम नई क्रॉप लगा चुके हैं। आप देख सकते हो इसके अंदर हमने मस्टर्ड मतलब सरसों लगा दी है, और इस सरसों को हम सब्जी के अंदर मतलब हरी जो इसके अंदर पत्तियां होंगी ना उनको बाजार में बेचेंगे। क्योंकि हमारी जो ये गोभी है ना वो दीपावली तक कंटिन्यू चलती रहेगी। उसी के साथ हम जैसे जैसे खेत का हमारा ये हिस्सा खाली होता जाएगा, हम नई अगली क्रॉप है वो लगाते चले जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और सहायक फसल जो हमने मेड़ के ऊपर लगा रखी थी, ये गिलकी की फसल है। 25 रुपए किलो को इसको बाजार भाव मिल रहे हैं, और एक मेड़ से हम लगभग पर डे की अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो लगभग 10 किलो गिलकी है ना जो बाजार में जा रही है। गिलकी की खासियत बताऊं दोस्तों, एक तो ये बीज खेत के अंदर नहीं है, हमने मेड़ के ऊपर लगाई थी और ये पौधों के सहारे जो मेड़ के ऊपर हमारे पेड़ लगे हुए उनके ऊपर आराम से चढ़ गई थी। साथ ही इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं किया हमने, जो हमने स्प्रे की अपनी इस गोभी में कभी कर देते थे कभी नहीं करते थे। इसके अंदर अलग से ना हमने कोई फर्टिगेशन किया, ना कोई स्प्रे की, ना कोई स्पेशल इसका कोई ट्रीटमेंट किया। ये जो फसल है हमारी 25 रुपए किलो के हिसाब से जो बिक रही है ना, ये समझ लीजिए आपको एडिशनल पैसे मिल रहे हैं। ये है दुनिया की सबसे कम लागत में सबसे ज्यादा रुपए देने वाली फसल, मतलब पालक की फसल। इसको आज 15 रुपए किलो के रेट मिल रहे हैं। अगर पालक को 5 रुपए किलो के भी रेट मिलते हैं तो आप समझ सकते हो 1 एकड़ जमीन के अंदर लगभग 43,000 वर्ग फीट एरिया होता है, और 1 फीट एरिया के अंदर पालक की अगर आप 3 से 5 बार कटाई करते हो तो उस 1 फीट एरिया में 2 किलो पालक निकलेगा। 2 किलो पालक मतलब 1 फीट एरिया आपका 10 रुपए का हुआ, तो आप 43,000 × 10 कर लीजिए, आप समझ सकते हो 1 एकड़ जमीन से सिर्फ पालक की ही जो इनकम होगी ना वो 4 से 4.5 लाख रुपए की हो सकती है। और इसके अंदर जो खर्च होता है ना वो बिल्कुल नाम मात्र का। इस खेती के मॉडल की विशेषता, ना इस खेत के अंदर हमने मल्चिंग लगाई, ना हमने इसके अंदर ड्रिप बिछाया, ना कोई एडिशनल खर्च किए, बिल्कुल कम लागत के अंदर बढ़िया इनकम जनरेट करने वाला जो मॉडल हमने अपने खेत में अप्लाई किया। जब शुरुआत हमने की थी उस टाइम पर हमारे आसपास के किसान हैं वो शायद हंस रहे थे या फिर वो सोच रहे थे कि ये कब फैलो और कब हम तालियां बजाए, लेकिन हमने मौका नहीं दिया। भारी बरसातें भी हुई, बहुत से फंगस भी आए, बहुत सी प्रॉब्लम भी आई, लेकिन हमने सबसे पार होकर और अब ये जो हमारी फसल है ना बहुत जबरदस्त पैसे दे रही, लगातार पैसे देती चली जा रही। बात आती है दोस्तों कि खेती में हमें कुछ नया क्या करना चाहिए, क्या कुछ हम बदलाव करें, तो मैं अब आगे एक ऐसी वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं अपने चैनल के ऊपर, जो वीडियो उन किसान भाइयों के लिए, उन नौजवान भाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी, जो खेती में कुछ नया करना चाहते हैं, खेती को जो अपना करियर बनाना चाहते हैं और खेती से बढ़िया इनकम जनरेट करना चाहते हैं। चाहे आप फर्स्ट टाइम खेती कर रहे हो, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोगों को एक ऐसी खेती बताऊंगा जिसके अंदर एक तो खर्च बहुत कम आएगा, साथ ही उसके अंदर इनकम है ना वो जबरदस्त आपको मिलेगी, 100% श्योर। तो दोस्तों मेरा जो ये वीडियो बनाने का मकसद है ना वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि खेती से हम बहुत बढ़िया इनकम जनरेट कर सकते हैं। खेती को आप कभी भी हीन दृष्टि से मत देखिए, किसान को आप कभी भी हल्का मत समझिए, क्योंकि जिस किसान ने लीक से हट के कुछ किया है ना वो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा है और उसने इतिहास रचा है।